बाहर रहिए, मैं तो मैडम आ रही हूँ। ए बाई बी होल पावर माइनस एम अगर लिखा हुआ है, हमें अगर इसकी पावर को प्लस करना है देन बी अपॉन ए, बी बाई ए। कहीं से भी अगर पावर हमारा माइनस में है उसे हमें प्लस में करना है, तो जो हमारे पास अंदर इंटिटीज होगी उसको हम उल्टा कर देते हैं, बस वो हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ए की पावर जीरो इक्वल टू वन, ए की पावर वन इक्वल टू ए।
अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये गिवन है, अगर आपके पास ये दिया हुआ है और यहाँ पे कंडीशन लगा दे कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, आपके पास ये दिया होता था तो ज्यादातर क्वेश्चंस आपके इस फॉर्मूले पे बनते हैं, लेकिन आपसे ये फॉर्मूला नहीं पूछा जाता, आपसे सिर्फ ये दिया होता है और a बी और सी इनका समेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अगर उस कंडीशन पे तो हमारे क्या प्रॉफिट होगा, ये पार्ट हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे जीरो से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा हमारा, तो हमारे यहाँ पे बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इक्वल टू जीरो, तो हमारे यहाँ आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू थ्री ए बी सी, ये हमारा निकल के आ जाता है। बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है लेकिन कई जगह ये आता है, जब आप तीनों को ऐड करिएगा अगर इक्वल टू जीरो आपका हो रहा है तो आप क्या करेंगे, आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू थ्री ए बी सी, ये आपको प्रूव करने के लिए भी आता है और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं छोटे छोटे कहीं भी। ठीक है, क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको इतना कुछ आता होगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। कुछ करने के भी हैं छोटे छोटे, वो भी देख लीजिए एक बार आप करने के। ये जो दूसरा फॉर्मूला है आपका इसी तरह से यूज
यहाँ 4 लिख दिया और इसका क्यूब लगा दिया, तो आपको सीधे से मतलब समझ लेना है कि ये हो जाएगा मतलब बस, ठीक है। सिक्स कहीं यूज हो रहा है, कहीं 8, इसकी पावर मान लीजिए 6 है, जब यहाँ और यहाँ आपका सेम हो जाए तो आप समझ लीजिए कि बीच का जो नंबर है वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या किया गया है, इसका और इसका सिंपल हम जब ये 1/n करेंगे और इधर 1/m हो जाएगा तो दोनों क्या हो जाता है m n, वैसे ही आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1/2 सीधे 1/ हो जाएगा। अगर हमारा 1/2 हो रहा है और ये 1/6 है, इस तरह से आए चाहे 1/6 1/2 आए, वैल्यूज दोनों की सेम है, क्योंकि यहाँ पे ये इस तरह से है तो जब ये उधर जाएगा तो 1/ होके जाएगा, तो 1/ होके जाएगा, तो चाहे ये पहले लिखा हो चाहे बाद लिखा हो दोनों का मतलब एक ही होगा। ये इसलिए इस तरह से ये फॉर्मूला हो गया, ये वाला आपका कैसे हो गया, जैसे यहाँ पे ये m है, यहाँ पे m है, ये n है, इसका मतलब ये इस तरह से हो गया, जैसे a है आपका ये लिखा हुआ है m by n और ये अंडर रूट में लिखा है, तो 1/m इसका जो मतलब है ये m by n हमने ये लिख दिया, अंडर रूट में बाहर क्या लिखा था m लिखा था, तो इसको हम 1/m लिखेंगे, m से ये m कट हो गया, तो क्या आ गया a और ये 1 है ये n है, यानी 1/n, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं और वही वहां पे लिखा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपके बीच बीच में यूज होंगे, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखा दिया है, उसके बाद ये किस तरह से यूज होंगे ये आपको इससे समझ में आ जाएगा। इसके बाद ये भी ऐसे ही आपका अगर दो एंटिटीज आपके पास अलग है तो अगर उसका दोनों के बाहर यहाँ पे सेम लिखा हुआ है तो हम सीधे मल्टीप्लाई इसका कर देंगे, सेम ऐसे ही है, अगर डिवाइड में है यहाँ पे सेम है तो हम डिवाइड कर देंगे दोनों में, हमारा जैसे यहाँ 3 लिखा है कोई 3 यहाँ चला जाएगा और 3 यहाँ चला जाएगा। ये सब हो गया, इसके ये फॉर्मूला हो गया, अब हम डायरेक्ट इसके क्या करेंगे क्वेश्चन कि क्वेश्चन में किस तरह से इसको अप्लाई कर पाएंगे। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, अंडर रूट x इक्वल टू दिया हुआ है 3 - √2 अंडर रूट x प्लस 1 / अंडर रूट x, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप सबसे पहले किस तरह से करेंगे, सबसे पहले अंडर रूट x आपको दिया हुआ है, अब आपके पास क्या है सबसे पहले आप उसको निकाल लीजिए, 1/√x 1/√x की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 - 1/√3 - √2 यही आएगा, आंसर है 6। अब हम क्या करेंगे, ये नीचे है जब भी हमारे पास इस तरह से नीचे आ जाता है तो हम क्या करते हैं, प्लस में हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, अगर किसी भी नंबर का हम ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी फर्क हमारी डिजिट पे नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा फॉर्मूला उससे प्रिपेयर हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3 + 2 √2, इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा हमारा, और नीचे यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है a - b a + b, जितने भी आपके अल्जेब्रिक फॉर्मूलास थे सब बीच बीच में यूज होंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि डायरेक्ट यूज हो रहा है, कहीं भी डायरेक्ट नहीं यूज होगा, लेकिन वो बीच बीच में यूज होते रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या यूज हो रहा है a + b और a - b, तो यहाँ पे a = आपका 3 हो गया और b = 2√2, तो जब आप a का स्क्वायर करेंगे यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 इसका स्क्वायर तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 + 2√2, 3 का स्क्वायर 9,
इसका स्क्वायर चार भाग, अभी स्क्वायर नहीं कर पा रहे हैं। देखिए स्क्वायर का मतलब ये है, हाँ आठ आ रहा है, कुछ लोग चार भी बता रहे हैं, वो भी सुन लें। जैसे टू रूट टू का होल स्क्वायर का मतलब हुआ कि आपने दो बार उसको लिख दिया, सिंपल दो बार लिखा टू टू जा फोर। अब यहाँ पे आपके पास ऊपर टू लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, इसका मतलब टू है। जब वो टू के पेयर में बन जाएगा तो हम उसको बाहर निकाल देंगे। तो हमारा ये टू के पेयर में दो आपको मिल रहे हैं, यानी टू मल्टीप्लाई टू। अब हमारा दो के पेयर में ये हमको मिल गया, तो फोर मल्टीप्लाई अब टू होके बाहर आ जाएगा, कितना आ गया एट। जिसको नहीं आता है वो इस तरह से कर लिया, एट आ गया। थ्री प्लस टू अंडर रूट टू, नीचे क्या आ गया वन। अब ये हो गया, अब हम वहां वैल्यू पुट कर देंगे। अंडर रूट एक्स प्लस वन बाई अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी है थ्री माइनस टू रूट टू, वो दी गई थी। फिर इसकी वैल्यू आपने कितनी निकाली है थ्री प्लस टू अंडर रूट टू, ये आपका कट हो जाएगा थ्री थ्री सिक्स, ये आंसर आ रहा। बहुत इजी क्वेश्चन था। अभी फॉर्मूले में आपको बताया कि अगर यहाँ पे बेस जब आपका सेम है तो हम उसको माइनस में लिख सकते हैं।
अगर नीचे है वो तो अभी इसी के तहत फॉर्मूले को बहुत अच्छे से देखो, क्योंकि फॉर्मूले बीच बीच में यूज हो जाएंगे, अगर फॉर्मूले नहीं समझ पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए फॉर्मूलों को पहले दो बार ढंग से देखो उसे कि किस तरीके से फॉर्मूले बीच में अप्लाई करने। तो यहाँ पे यही किया है, आपका जो बेस सेम हो गया है तो मैंने एक्स माइनस वन लिख दिया इसको, और ये थ्री आपका जो बचा हुआ था ये है। अब हमारा यहाँ और यहाँ सेम हो गया, जब सेम हो गया तभी तो कॉमन निकालेंगे, जब सेम नहीं होगा तो आप बाहर से नहीं निकाल सकते। अब यहाँ थ्री की पावर एक्स माइनस वन जब बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, थ्री माइनस वन, यहाँ थ्री बचा, अब यहाँ कुछ नहीं बचा, इसका मतलब वन है। थ्री की पावर एक्स माइनस वन पूरा बाहर चला गया तो यहाँ वन बचा, इक्वल टू 18। अब ये 3 की पावर एक्स माइनस वन, ये 3 माइनस वन क्या हो जाएगा 2, इक्वल टू 18। 3 की पावर एक्स माइनस वन, अब ये 18 बाई 2, ये 2 नीचे आ जाएगा, कितना हो गया 9। अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। अब हमारे पास देखिए बेस सेम हो गया, ये बेस और ये बेस सेम हो गया। जब हमारे पास बेस सेम हो जाता है तो पावर्स को हम इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका ए की पावर एक्स बराबर ए की पावर वाई है, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा। अगर ए की पावर एक्स और बी की पावर एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी, ये भी एक फॉर्मूला है आपका। अगर बेस सेम है तो पावर्स आप इक्वल लिख सकते हैं, और यहाँ पे अगर ये पावर्स आपके सेम हो गई तो ए इक्वल टू बी, तो यहाँ पे क्या था आपका, बेस सेम हो गया। तो जब बेस सेम हो गया तो एक्स माइनस वन इक्वल टू टू, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और ये माइनस वन प्लस वन 3। लेकिन आपसे एक्स नहीं पूछा गया है, एक्स की पावर एक्स पूछा गया है। तो अगर एक्स इक्वल टू 3 आ गया आपका, तो एक्स की पावर एक्स माने 3 की पावर 3, ये है। आप इधर से भी कर सकते हैं, इरेज करो इसे, अब इधर से करके बताती हूँ, एक बार देखो शायद इधर से इजी लग रहा हो। दोनों तरफ से बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है। देखिए जब इधर से आप करते हैं, मान लीजिए कुछ नहीं करते, 3 की पावर एक्स मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस वन, ये हो जाएगा इसको। तो हमने क्या लिखा, ये 3 की पावर एक्स वन माइनस 3 की पावर माइनस वन 18। अब ये वन और 3 की पावर माइनस वन, इसका मतलब क्या है, 1/3 इक्वल टू 18। 3 की पावर एक्स, अब ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस टू, 3 माइनस वन, 3 माइनस वन बराबर 18। 3 की पावर एक्स मल्टीप्लाई 2/3 इक्वल टू 18। 3 की पावर एक्स इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2। एक्स इक्वल टू 3। चाहे आप इधर से कर लीजिए, चाहे उधर से करिए, जो इजी लगे उधर से कर सकते हैं आप। इसमें आपने इस तरह से इसको डिवाइड कर लिया, इसके बाद 3 की पावर माइनस 3 1 हो गया, 1/3 इसको लिख लिया। चाहे आप इधर से करिए चाहे उधर से करिए, जो मेथड इजी हो उसको ऑप्ट कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसमें हमने 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था कॉमन लेने के लिए, यहाँ पर क्या हुआ 3 की पावर एक्स हमने बाहर निकाल लिया कॉमन, हम इसको भी कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स पावर माइनस 1 को भी कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमने एक्स पावर माइनस वन कॉमन निकाला था तो उसको हमारे पास था नहीं, हमको बनाना था पहले, तो हमने उसको पहले बनाया फिर कॉमन निकाला, और इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन में था उसी से हम कॉमन निकाला, ठीक है। लेकिन आंसर देखे दोनों तो कंडीशन में सेम, आंसर डिफर नहीं करता। चलो थैंक यू।
की वैल्यू आपको बतानी है बस। एक सही से क्या दस बड़ा एक है तो यहाँ बता दो पॉइंट टू थ्री करके फिफ्टीन आ रहा है। देखा कुछ लोग होशियार हो गए दो क्वेश्चन करते ही। फिफ्टीन आंसर आ रहा है। कैसे आ रहा है देखो, ये आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, इसको आपने ऐसे ले लिया, जो अंदर लिखा हुआ है उसको नहीं कुछ लिया। इसके बाद आपको यहाँ लिखा हुआ था ऊपर थ्री, इसको आप लिखेंगे वन बाई थ्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा टू एन बाई थ्री, एन बन जाए अपॉन थ्री, हमारा ये बन गया टू की पावर एन बाई थ्री इक्वल टू 32। अब हमारा जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हमारा पहला काम ये होता है कि हमारा जो भी नीचे आ रहा हम उसको हटा दें। हम कुछ ऐसा दिमाग लगाते हैं कि उसको हम वहां से हटा दें, तभी हमारा सॉल्व हो पाएगा क्वेश्चन। अगर उसे नहीं हटा पाते तो सॉल्व नहीं होगा। तो हमें यहाँ थ्री दिख रहा है, तो अगर हम क्यूब कर दें बोथ साइड आप क्यूब करिए, इसको 32 को क्या कर सकते हैं टू की पावर 5, इधर क्यूब किया, इधर टू की पावर 5 पे क्यूब किया। अब इसमें क्या होगा क्यूब करने पे क्या हुआ, तीन कट जाए, ये तीन आपका ये तीन से कट हो जाएगा। यही हमें करना था कि नीचे हमारा जो लिखा है उसको हटा दें, तो ये हो जाएगा टू की पावर n, यहाँ क्या हो जाएगा 5 3 15। अब हमारा देखिए बेस क्या हो गया, सेम हो गया। तो जब हमारा बेस सेम हो जाता है तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो हमारा n इक्वल टू 15। ये जैसा क्वेश्चन था तब थोड़ी था, पहले आप इसको हटाना सीखिए, हटाने के बाद आप उसको किस तरीके से हटा सकते हैं। जैसे अगर आपने क्यूब किया, मान लेते यहाँ 6 होता तो भी हम क्यूब करते तो हमारी कुछ ना कुछ तो पावर कम होती। पहले हमें पावर्स को कम करना है, फिर उसको देखना है कि हो सकता है फैक्टर्स के थ्रू वो कुछ ऐसा बन जाए कि हमारा सॉल्व हो जाए। जैसे 16 है आपका, 16 2 की पावर कितना होगा 2 की पावर 4, और हम इसको ये भी लिख सकते हैं 4 की पावर 2, दोनों में मतलब 16 होगा। लेकिन हमारी नीड क्या है, अगर हमारी नीड बेस को 2 बनाने की है तब तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन अगर हमारा बेस 4 के फॉर्म में है तो हम इसमें नहीं लिखेंगे, तब हम इस फॉर्म में लिखेंगे कि हमारा बेस दोनों साइड से इक्वल हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन में हम दो चीजें ध्यान रखते हैं, एक तो हमारा जो पावर है हम उसे हटा लेते हैं, दूसरा अपना बेस सेम कर लें। अगर हमारा बेस सेम होगा तभी हम ये पावर्स क्या करेंगे इक्वल कर पाएंगे। तो हमें दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो हमें यहाँ से कट करने की कोशिश करना है, दूसरा हमारा बेस इक्वल हो जाए, तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। आप देखते हैं इसके बाद कौन लगा के दिखाते हैं सबसे पहले। ऑप्शन मैम दे दीजिए जरा, क्या ऑप्शन? यस मैम। 4 5 6 7 हो गया ऑप्शन, ये आ गया 2.7 अल्फा 7 के घात 2 कॉइन,
लिख रहा है और टेक्निकल कर दो आप ही करते हैं नहीं अभी इतना टेक्निकल कर दोगे कि बेचारा पावर ही काट जाएगा ये तो हमने आपसे नहीं नहीं दिया है तो हमने तुमको आंसर दिए हैं अच्छा सेवन हाँ सही है चार सौ आ गया था मेरा हाँ तो तुमने बताया ठीक है कुछ नहीं करना था इसमें सिंपल आपको 49 था 49 होता है 7 का स्क्वायर तो आपने 2 ऊपर पहुंचा दिया अब यहां पे जब 2 यहां पे 7 बेस था ये आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपका बेस सारा इक्वल हो जाए जब बेस इक्वल हो जाएगा तो पावर्स को आप ऐड कर पाएंगे तो आपने सबसे पहले बेस को इक्वल किया अब पावर्स में जब ये 2 ऊपर पहुंचा तो मल्टीप्लाई करके ये आ गया यहां पे 2 में मल्टीप्लाई किया ये आ गया तो यहां पे 0.5 था ये आपका सही था इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था इसके बाद सबका बेस इक्वल हो गया फिर बेस इक्वल होने के बाद आपने सबको ऐड कर दिया जब सबको ऐड कर दिया तो 1.0 आ गया इसका मतलब था 1 यानी 7 आंसर आ गया 7 मैम जोड़ने के बाद 1.0 जोड़ने 1.0 बनी तो होता है नहीं मतलब मतलब बनी तो आंसर आ गया क्या मतलब जोड़ने के बाद 1.0 नहीं है उसको मैं 50 उसको सही है उसको पास समझ रही हूँ मैं 50 कर दीजिए तब समझ जाएंगे अरे बढ़िया अच्छा बहुत हो गया अब सही अरे भगवान आ जाएगा मैं जिसको ज्यादा कंफ्यूजन हो वो चुपचाप ऐसे लिख लिया जैसे ये है बस अब यहाँ कुछ नहीं है तो हमने यहाँ कर दिया अब ऐड कर दो जिसको ज्यादा कंफ्यूजन हो ऐसे लिख लिया सारे पॉइंट पॉइंट के नीचे पॉइंट बस इतना ध्यान रखना करो कि पॉइंट के नीचे एक पॉइंट आए ये नहीं कि पॉइंट भी इधर उधर किसका जिसको ज्यादा कंफ्यूजन हो उसके लिए कभी कभी ऐसा हो जाता है मान लो इस तरह है कुछ बहुत ज्यादा टिपिकल आ जाता है तो हम तुरंत नहीं कर पाते तो जब हम तुरंत अपना नहीं दिमाग लगा पा रहे हैं तो हमें चुपचाप ऐसे करना चाहिए लिखा लिखा इसके बाद जहाँ जहाँ फीलिंग नहीं है वहाँ वहाँ क्या करते हैं जीरो बढ़ा देते अब चुपचाप हम ऐड करेंगे तो हमारा बिल्कुल सही आ जाएगा जबकि ऐसा नहीं है कि ये बहुत ईजी भी चीज है कभी कभी होता है कि जब पॉइंट्स में बहुत ज्यादा जीरो आ जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो कंफ्यूज होने से अच्छा है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो जो नंबर दिया हो तो वहां पे जहां स्पेस हो वहां जीरो भर दो जीरो भरने के बाद आप उसको ऐड करो बस सिंपल कभी गलत नहीं होगा नीचे से ये क्वेश्चन ढूंढ रही हूं लेकिन आप कठिन ना दे कठिन ना दे नहीं पाएंगे कठिन दे देंगे तो होने का A2 minus B.
दिखाई दे रहे हैं? क्या दिखाई दे रहा? कुछ ऐसा सेम यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हुआ है, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है। a इक्वल टू कितना है 0.9, b इक्वल टू 0.4, ये सेम टू सेम a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लग गया है। ये ऊपर आपका लिखा हुआ है a क्यूब माइनस b क्यूब, और जो नीचे लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर इस फॉर्मूले में हम इसको नीचे ले जाए तो यहाँ क्या बचेगा, ए माइनस बी। तो हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सिंपल ए माइनस बी करना है। ए हमारे क्या है 0.9 और बी क्या है 0.4, कितना आ जाएगा 0.5। और हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसमें सिंपल हमारा अलजेब्रिक का फॉर्मूला लगा। फॉर्मूले सारे बंद कर दीजिए, नहीं तो एक क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे ढंग से। यहाँ भी यूज होगा, अलजेब्रा में भी यूज होगा। अब वो फॉर्मूले बीच बीच में जो बेसिक न्यूमरेसी है कई जगह यूज हो जाते हैं, जो अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं आपको पता नहीं चलेगा कहाँ यूज होगा, क्योंकि डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला थोड़ी पूछेगा, वो तो यूज हो जाएगा एज एप्लीकेशन। एज एप्लीकेशन जब यूज हो रहा है तो आप फिर आपको रन करना पड़ेगा ना, नहीं तो आप कर ही नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे क्यूब देख देख के आपका माइंड तुरंत स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि आपका क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। ये आप समझ गए, p की पावर a b की पावर b लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं p की पावर a माइनस b और a प्लस b यहाँ लिखा ही था, ठीक है। अब ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, p की पावर b माइनस c b प्लस c, यहाँ हो जाएगा p की पावर c माइनस a c प्लस a, ठीक है। अब ये हो जाएगा p की पावर a प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा p की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, p की पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, p की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब हमारे पास क्या हो गया, बेस सारे बेस हमारे सेम हो गए, तो ऊपर जो हमको लिखा हुआ है हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो हमारा बेस अगर p है तो हमारे पास दो ऊपर लिखा है a स्क्वायर माइनस b
ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचता है? कुछ नहीं, तभी मैं एक कर करने के बाद एक बच जाए, एक कहाँ बच जाता है? बच तो गया। आंसर है बना रहा। अब इसमें बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि सब कट रहा है, चलो जल्दी से पी आंसर लगा देते हैं। ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्टिव में आपको आंसर दिया होगा वो इस तरह से दिया होगा, ठीक है? ये दिया होगा आपको, इतना ही बस लगा देंगे, बस काम खत्म हो गया माइनस, ठीक है? तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से करना है, कुछ नहीं बच रहा है तो हम जीरो लिखेंगे और किसी की भी पावर जीरो यानी वन। चलो अच्छा, अब एक तीसरा क्वेश्चन देखो। एक पिता की उम्र, एक पिता की उम्र, हाथ नहीं चलाना चाहता बिल्कुल। एक पिता की उम्र, उसके पुत्र की उम्र की, उसके पुत्र की उम्र की नौ गुनी है, पुत्र की उम्र की नौ गुनी है, माता की उम्र उस पुत्र की उम्र की आठ गुनी है। पिता और माता की उम्र का योगफल, पिता और माता की उम्र का योगफल 51 ईयर है, तो पुत्र की उम्र बताइए 51 वर्ष है। माता और पिता की उम्र का एडिशन 51 ईयर है, तो आपको बताना है पुत्र की उम्र कितनी है, ये क्वेश्चन है। थर्टी फोर, जब दोनों का एडिशन 51 हुआ तो भाई 25 25 50 मान लो, तब भी आंसर यानी 1 2 3 4 5 इससे ज्यादा तो नहीं होगा। तीन आ गया। अब तीन आ गया ना, अभी 34 तो सही नहीं, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था। पुत्र के उम्र मान रहे हैं x वर्ष, पिता की उम्र क्या हो जाएगी 9x, माता की उम्र 8x, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8x प्लस 9x इक्वल टू 51, 17x इक्वल टू 51, x इक्वल टू 51 अपॉन 17 इक्वल टू 3, बस यही आंसर, करना ही नहीं था। क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए रहते हैं उससे भी हम गिनती कर सकते हैं, अगर दोनों का एडिशन 51 कह रहा है, तो अगर हम 20 20 या मैक्सिमम 25 25 भी मानते हैं तो 25 25 50 हुआ, तो हमारा आंसर क्या होगा 1 2 3 4, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। और ये तो इजी क्वेश्चन था, इसमें ये भी नहीं दे रहा था इतने साल पहले, ज्यादातर इन क्वेश्चन में टफी दिया रहा था, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था। चलो एक और इजी सा क्वेश्चन था, थोड़ा टफ वाले क्वेश्चन। एक भिन्न का हर अंश के दो गुने से एक अधिक है, एक भिन्न का हर अंश के दो गुने से एक अधिक है, यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योगफल, यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योगफल, ये दिया हुआ योगफल इतना है, भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 सही 16/21 है, तो भिन्न बताइए
ऑप्शन है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7. सबसे पहले अंश माना, अंश कितना है x, तो हर के लिए क्या देना है, अंश के दो गुने से एक अनेक है, दो गुना का मतलब हो गया 2 का मल्टीप्लाई और एक अनेक यानी प्लस 1, तो ये आपका आ गया हर, ये आ गया अंश। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, यानी वैसे हम लोग जो हमारी भिन्न होती है वो होती है अंश बटे हर, लेकिन व्युत्क्रम का मतलब हो गया हर बटे अंश, इन दोनों का एडिशन ये दिया हुआ था। तो पहला आपका जो है, अब यहाँ पे भिन्न बनाएंगे तो क्या आएगा, एक्स अपॉन 2x + 1 अंश बटे हर, और इसका व्युत्क्रम का मतलब हो गया 2x + 1 upon x = ये दिया हुआ है 2 16 21 58 upon 21। अब इसको सॉल्व करना है आपको, बस इतना सा ही काम है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ पे देखिए 2x + 1 है और x है, तो हमारे यहाँ 2x + 1 यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है, तो जो लिखा होता है उसको हम छोड़ देते हैं, यानी इसका मतलब सीधा सीधा इसे डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने के बाद जो बच रहा है हमारा x बच रहा है, जो हमारा रहता है उसको नहीं कंसिडर करते, जो बचा रहता है उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया, और यहाँ पे ये था तो ये हमारा नहीं जाएगा, ये जाएगा, तो अगर ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक 2x + 1 ये हो गया और एक ये लिखा हुआ है, तो हमारा ये बन गया = 58/21। अब यहाँ पे इसको खोल लीजिए, x = क्या हो जाएगा x2, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a + b का होल स्क्वायर, तो 2x + 1 का होल स्क्वायर करिए, 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2x = 1, ये हो गया a² + b² + 2ab, ये आपने लगा दिया अपॉन x 2x + 1 = आपका है 58/21, x² + 2 2 4 4x² + 1 2 2 4 upon 2x² + x = 58/21। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी थोड़ा सा और सॉल्व कर इसको, ये हो जाएगा 5x² + 4x + 1 अपॉन 2x² + x = 58/21। इधर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 21 5x² + 21 × 4x + 21 = 58 × 2x² + 58। कैलकुलेशन थोड़ा सा है लेकिन आ गए। अब हम सबको उधर देते जाएंगे या उधर वालों को इधर देते आएंगे।
जीरो, इससे माइनस होके क्या बचेगा, अलेवन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा, ये आपकी इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करें। फैक्टरी नहीं मिल रहा, यही कम भी सोच गए क्यों फैक्टर को मतलब हटाने पर 26 आ जाए, कोई संदेह नहीं है कौन सा फैक्टर है 11 के 21 में होगा ना, पहले 11 का 21 में जब भी हमें फैक्टर करना होता है इसका और इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं 221 के मतलब 221 अब 221 का फैक्टर करो इस तरह से, अगर जब हमारा फैक्टर इस तरह से नहीं आता है तो हमारे जो क्वाड्रेटिक वाला जो इक्वेशन होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, तब हम उससे रूट्स निकालते हैं, लेकिन पहले इससे निकालने की कोशिश करते हैं, आएगा थोड़ा दिमाग लगाओ, इतना हमने कर दिया इसके आगे तो करो हथियार डाल दिया, तुम हमें एकदम इजी की कोशिश करा रहे हो कि हथियार करने जा रहे हो, आप कैसे करो चलो फैक्टर भी बता दिया आप करो, उसी से याद आता है, आप फैक्टर करिए थोड़ा सा दिमाग खर्च करिए आज, Thank you.
ए ब्रैकेट अंडर रूट 39 माइनस अंडर रूट 28 ब्रैकेट अंडर रूट 71 माइनस अंडर रूट 44 अंडर रूट 121 बस नहीं ज्यादा नहीं सही है क्या ऑप्शन है ऑप्शन ले लो 10, 20, 30 हम यहाँ पे 44 ही है जरा ये क्लियर कर लेंगे हाँ 44 जब इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम यहाँ से सॉल्व नहीं करते हैं शुरू से सॉल्व करना नहीं शुरू करते हैं हम इन जैसे देखना शुरू करते हैं कि कैसे कैसे विधा से कम करते करते लाएंगे यहाँ पे तो हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ से कम करेंगे तो यहाँ से कम करेंगे तो 121 कितने का होता है 11 का होता है ये 44 है और ये 11 यहाँ पे हमने 11 लिखा अब हमारा ये क्या बन जाएगा ये बन गया हमारा जो यहाँ तक का था पहले यहाँ तक का हमने सॉल्व किया अब यहाँ पे बाहर क्या निकलेगा सबसे पहले अब हम इतना लिख लेते हैं पूरा क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं अभी जितना सॉल्व करें उतना ही लिखते जा रहे हैं अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है एक तो 11 बाहर आ जाएगा जो भी दो बार हो जाए उसको बाहर निकालो 11 हमारा दो बार हो गया हमने बाहर निकाल दिया 4 कैसे निकलेगा 2 बन के ठीक है ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया तो ये सॉल्व होके कितना आएगा 49 71 माइनस 22 इक्वल टू 49 और 49 किसका होता है 7 का तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमारा कितना आ गया 7 अंडर रूट 39 माइनस 28 और ये आ गया 7 ठीक है अब हमारा क्वेश्चन वो ना होके ये हो गया हमारा क्वेश्चन उतना पार्ट हमने ये पीछे का जब सॉल्व कर दिया इतना तो हमारा क्वेश्चन अब क्या बचा ये बचा अब इसको क्या करेंगे पिरामिड से देखेंगे तो इसको इसमें क्या हो जाएगा 96 हाँ 10 है सही करोगे तो आ जाएगा गलत करोगे तो नहीं स्टेप टू स्टेप जब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा अब यहाँ पे क्या बाहर आएगा 14 एक तो ये 7 बाहर आ गया और ये 2 बाहर आ गया 39 माइनस 7 टू जब 14 क्या बच रहा है 5 और 2 यानी ये क्या हो गया 5 यानी यहाँ से यहाँ तक का हो गया 5 20 और ये इसके जगह आपने 5 लिख दिया अब कितना हो गया 100 जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप पीछे से सॉल्व करेंगे कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ से परेशान होंगे यहाँ से कभी भी सॉल्व नहीं होगा आपके पास जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए यहाँ से उठाइए और एक एक करके अंडर रूट को हटाते जाइए छोटा करते जाइए अपने आप वो सॉल्व होता चला जाएगा और बीच में जैसे आपने इतना कर दिया अब हर बार आपको ये क्वेश्चन भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बार बार लिखेंगे तो गलत हो जाएगा आपसे जैसे आपने मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का सॉल्व किया इसके बाद उसको लिख लिया उसके बाद क्वेश्चन भी जैसे हमने समराइज करके छोटा करके लिख लिया उसके बाद आप वहीं पहुंच जाएंगे ठीक है इसमें आंसर चेक करने का कोई मेथड नहीं है नो शॉर्टकट अब ऐसा ही ये क्वेश्चन आपको दे रहे हैं देखिए कौन आंसर बताता है
टेस्ट आया था, इसका मान लीजिए कि टेस्ट, आपने इस क्वेश्चन को समझाया नहीं समझा, सेम ऐसा ही है। कौन सबसे पहले आंसर बताता है? पहले ऑप्शन ही देते हैं, कुछ लोग तुरंत देखी सीधी लगा देते हैं, क्वेश्चन देखा नहीं आंसर पहले।
एक क्वेश्चन और करा दें बाद में।